हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले हैं? अर्णब गोस्वामी मिथ लाइफ एपिक जर्नलिज्म। चलो देखते हैं अर्णब गोस्वामी की जर्नलिज्म। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वीडियो अभी देख रहे हैं उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मैं भी कर दूं। देखते हैं अर्णब गोस्वामी किसकी बजाते हैं। एफ बी गो सबकी बजाते हैं वैसे। चैनल बी को सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मक्खी मर गई। हाँ दोस्तों, ले आए हम एक और ऐसी वीडियो जो कुछ सेकंड्स में आपको हंसाएगी, कुछ मिनट्स में आपको फंसाएगी, और फंसे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ही दोगे। अबे ओ बकैती बंद, वीडियो चला, चल चल। सूरज पाल अमुक, बी क्वाइट, कीप क्वाइट, अंडरस्टैंड? When you've spoken to, when I tell you to keep quiet, be quiet. Why? Don't open your mouth. Why? Quiet. Who are you? Because you've spoken too much. Who are you? What? Why are you dictating me? Because why are you dictating me? Well, who are you? Nobody is scared of you. You cannot put fear in anyone. You cannot even put fear in yourself. I want you to go and ask people there. Go and ask everyone who's close to you what they think of you. I put this picture. Individuals like you Mr. must be taken to court. Goswami, listen must to me be boss. Taken everywhere listen, across the country. Listen. You have lied. Ja, bhai, you have lied. You have lied over the last 2 months. Aray, sunle, bhai. Have you lied or not? Aray, sunle. Have you lied over the last sunle, 2 months? Sunle, angre, sunle, have you lied? Okay. और मैं तो सवाल करूंगा, ये सोनिया गांधी होती कौन है? ये कौन है भाई? कौन है भाई? ये है कौन? नहीं, बिल्कुल करने चाहिए। ये कौन है? करना आपका हक है। ये अपने आप को क्या समझती है? क्या? नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए ना, ये है कौन? ये क्या समझती है अपने आप को? गुंडे भेजे, गुंडों की फौज है। नहीं, सोनिया गांधी जी के बारे में तो पूरा देश जानता है क्या है। हम लोगों पे कोई प्रभाव नहीं होता है। आपके गुंडे को उठा उठा करके मैं फेंक दूंगा। ये पाकिस्तानी समझते क्यों नहीं है? मुझे ये बताइए, ये टिड्डी बिरयानी खाने वाले पाकिस्तानी चप्पल चोर बिरयानी यार, वो गांव में खा, ये टिड्डी से बहुत ज्यादा इनको विटामिन मिल रही है आजकल लगता है, मगर ये विटामिन इनके दिमाग में नहीं जा रहा है। कोई गांव था अजीब सा लग रहा है कि कृतिका चौधरी, आप लोग वही टिड्डी बिरयानी खाकर आए हो आज, इसलिए मुंह बनाकर बैठे हो इधर मेरे प्रोग्राम पर। चिकन बिरयानी क्या सोचा था? इसमें आलू किसने डाला आलू इसमें? हाँ, हूँ मैं मोटा, हो जाता हूँ रनआउट, गिर जाता हूँ स्वीप मारते मारते, तो तुम लोग मुझे आलू बुलाओ। राजा कैसर बड़े हल्के तरीके से बताता हूँ, सुनिए मेरी बात। वैसे हल्के तरीके से बात नहीं करता हूँ मैं, पूरी भारत के लोग जानते हैं मेरी बात, सुनिए। पहली बात देखिए राजा कैसर जी, आपके चेहरे से जी आपका सेंसेशनल मीडिया स्टाइल सारे दुनिया को पता है, सिर्फ भारत शुरुआत ही नहीं, दुनिया जानती है कि आप किस तरह के। अरे रुकिए, मेरे स्टाइल के बारे में क्या बोलते हो? मेरी फौज के स्टाइल समझ लीजिए, मेरी स्टाइल छोड़ो, बालाकोट की स्टाइल याद करो बेटा, सर्जिकल स्ट्राइक में कितना पीटा था तुम्हें, अब मैं बताता हूँ तुम्हें। अरे उठते ही, अरे रुकिए ना आप लोग, सुनिए सुनिए मेरी बात, सुनिए। हम लोग हर दिन सुबह उठेंगे और उठते ही पहला काम क्या करेंगे? उठते ही पहला काम करेंगे कि पाकिस्तान को मारना शुरू करेंगे। हर दिन पकड़ के गर्दन से थप्पड़ मारेंगे आपको। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। पहली बात यह है कि पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्त, ये तो हमने मार की ट्रेलर दी है, और इतना मारा हमने ना पिछले 10 दिनों से। अब ये तो देखिए इफ्तिकार चौधरी जी, अभी तो हमने मार की ट्रेलर दी है, तो आप लोग अपनी गलती मान रहे हैं, जबकि असली मार जब पड़ेगी तब आप लोग क्या करेंगे? तब तो पूरा पाकिस्तान भारत के गुलाम बनने को तैयार हो जाएगा। 4 दिन पहले आप लोगों ने मैप भी चेंज कर दी, बोला कि हाँ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अच्छा किया, मारा हमने, थोड़े सुधर गए, और मारा तो बाजवा बोल रहा है। ये बताइए चौधरी जी, और कितने कितने मार के बाद आप ये अपना ये जो रुदाली रोना बंद करेंगे? मैट गया ते सजना बड़ा स्वाद लिया, पर मित्रों मैं डिग के टूटना सिखिया नहीं, ओ बड़ी स्पीड है फेसबुक दे डांडियां दी,
ਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੈਂਡਲ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਸੁਣੀਏ ਸੁਣੀਏ ਗੌਰਵ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਕਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਕਮਰ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਔਰ ਰਾਜਾ ਜੀ। देखिए भैया, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, ये भारत है, भारत की मीडिया है, पाकिस्तानियों के साथ ऐसे ही बोलते हैं, आप लोगों को मारेंगे। अब आप लोगों को भारत ऐसा है, आपको क्या लगता है मैं आपके साथ क्रिकेट कमेंट्री करने आया? भारत ऐसा ही है भाई, आपकी हजामत करेंगे, आपको तोड़ेंगे, आपका नाम मिटा देंगे, 1971 दस गुना करेंगे, खत्म कर देंगे, बलूचिस्तान टूट जाएगा, सब कुछ जाएगा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। नहीं लेकिन नहीं, तुम्हारे गांव में चनूने चनूने काट रहे हैं। कर दें गोल। जी भैया कर दें। हां बेटा गोल। लेट मी टेल यू अ फ्यू ट्रुथ्स। Nobody, first of all, we are not going to discuss Kashmir with you because Kashmir is ours. There is no 3-7. What we do in Kashmir is our business. We don't feel Kashmir any need to discuss Kashmir with you. We don't, we are not going to discuss it. You can Sir, go on. Maliha, listen to me. Maliha, listen to me. Gaurav, can I please, can I explain to her? I believe I'll be able to explain. Maliha, you are in Lahore today. Sir. Unless Sir. You want the Indian Army to be in the street outside your house, never say you have anything to do in Kashmir. You repeat this line You're too much. You're threatening me. I am threatening you. Of course, I'm threatening you. We will walk right into Lahore. He's threatening Pakistan. Of course, I'm threatening. ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिन्ना तो झाड़ के बाल भी। दिल्ली आके देख। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? फनी थी काफी यार, मजा आया, अच्छी थी वैसे यार देखी जाए तो। और वो जो बहस होती है ना इंडिया पाकिस्तान के, उसमें यार बहुत बहस करते हैं। और अर्णव गोस्वामी जी मतलब स्ट्रांग पर्सनालिटी है, और मतलब के स्ट्रीट पे लगते हैं मुझे तो। हाँ स्ट्रीट लगते हैं यार, मजाक नहीं देखा कभी इनके मुंह से। गौरव फाड़े फिर भी मजाक कर लेते हैं, इनके मुंह से मतलब के कभी मजाक नहीं देखा, ऐसे होते हैं हमेशा। और अच्छा लगा वीडियो, और मतलब कि पाकिस्तान से भी स्ट्रांग पर्सनैलिटी बिठानी चाहिए। क्या जब वो चिल्लरों को बिठाया होता है, चिल्लर यहाँ के मीडिया वाले इनको नहीं पूछते जो वहाँ बैठे होते हैं। स्ट्रॉन्ग बैठे हैं ना यार, वो फिर जवाब पता चले। फिर वो मतलब अर्णव गोस्वामी और डिबेट, और मजा भी आया यार थोड़ी स्ट्रॉन्ग डिबेट। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रिएक्शन लाजमी बताना, और भी कोई ऐसी वीडियो हो वो भी कमेंट करके बताना, हम जरूर देंगे। तो क्या करना है आपने? लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब ख्याल रखिएगा। पीस आउट।